साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद जब लोकसभा स्पीकर चुनने की बात आई तो एक नाम पर सबकी सहमति थी और वो नाम था सुमित्रा महाजन। विनम्र स्वभाव वाली सुमित्रा महाजन की विपक्ष के नेताओं में भी उतनी ही इज्जत है। सुमित्रा महाजन ये सम्मान और लोकप्रियता इंदौर से लेकर दिल्ली पहुंची थी। इंदौर में सुमित्रा महाजन को लोग सुमित्रा ताई के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में जन्मी सुमित्रा इंदौर में बहू बनकर आई थी। साल 1989 में बीजेपी ने पहली बार सुमित्रा महाजन को इंदौर से लोकसभा चुनाव में उतारा। सुमित्रा महाजन ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम प्रकाश चंद्र सेठी को धूल चटाई और उसके बाद से इंदौर में सुमित्रा महाजन कभी नहीं हारी। सुमित्रा महाजन को इंदौर की जनता ने बेशुमार प्यार से नवाज कर लगातार संसद भेजा, लेकिन बदले में जनता के लिए उन्होंने क्या किया इसकी पड़ताल करने न्यूज नेशन इंदौर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के संसदीय क्षेत्र का विकास का रास्ता ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे गुजरता है इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल इस वक्त हम सांवेर पोटलोद इलाके के एक उस जगह पे हैं जहाँ की सड़कों को आप देख सकते हैं। दरअसल ये संसदीय क्षेत्र लगता है लोकसभा स्पीकर महाजन का, विकास के दावे भी किए गए लेकिन उसकी रफ्तार जो है उसे आप देख सकते हैं कि ब्रेक लगकर वो रफ्तार चल रही है। शहर से गांव में जाने वाली इन सड़कों की हालत विकास के दावों की पोल खोलती है। सांसद के कामों पर किसानों की राय भी देख लीजिए। उनका कार्य बहुत भावपूर्ण हुआ और अति उत्तम कार्य उन्होंने किया हमारे यहाँ। 35 साल हो गए सांसद को, यहाँ तो 15 साल तो मेरे को हो गए, तो दिखती ही नहीं सांसद, वहाँ बैठी है दिल्ली में वो तो, और उनके लोग है हर आदमी को तरफ, मजदूर गरीब वर्ग तो बहुत परेशान है। देखने आती है तो बड़े बड़े लोगों में फिरती है और क्या, मंदिर में होके अन्य जाती रहती है। वो लोग पूछते नहीं यहाँ पे कि आदिवासी मोहल्ला है यहाँ पे, तो उसमें खड़ंजा है या नहीं है, पानी की समस्या है या नहीं है। जो फ्री जो शौचालय भी नहीं बढ़िया बने कि नहीं बने, नहीं बने। खेती से जुड़े लोग सांसद जी के कामों से बहुत खुश नजर नहीं आए। बदलाव को तलाशते हुए न्यूज नेशन की टीम राजोदा गांव में पहुंची। कच्ची सड़कों और कच्चे मकानों वाले इस गांव में विकास का कुपोषण साफ दिख जाता है। आप गांव की कमोबेश स्थिति देख सकते हैं, ये यहां पर किस तरह का विकास हुआ है, सड़कों की हालत किस तरह की है, लोग किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं, सिर्फ जो है नालियां किस तरह से खुली हुई हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है। लाइट की भी बहुत परेशानी है यहाँ, 2-3 साल से लाइट ऐसी टूटी पड़ी है, रोड की है गली की भी है। आते हैं कभी सभी, मतलब कोई काम रहता है और जाते हैं तो बस हो जाएगी आपकी समस्या दूर नहीं हुई। हमारा राजोदा बालोदा का रोड कब से मंजूर हुआ है, जब से रोड ही नहीं हुआ है। हमें क्या तकलीफ है, रास्ता वगैरह की तकलीफ है और क्या, लाइट और रास्ता। गांव में क्या चाहिए, पानी, बस 3 चीज चाहिए गांव में। क्या चाहिए, पानी की समस्या है, पानी भी नहीं मिल रहा, हम घर में बहुत दिक्कत आती है पानी की। लोगों की शिकायतों में विकास का सूखा है तो नेताओं के बयानों में दावों की बयार बहती है। जहाँ सीधी ट्रेन नहीं थी, आज इंदौर देश का एकमात्र नगर ऐसा है, इंदौर एकमात्र दिल्ली को छोड़ के, जहाँ से देश के सभी प्रांतों में जाने के लिए सीधी ट्रेन है आज, और इसी तरीके से हवाई जहाज। आप क्योंकि हमने हवाई अड्डे का विस्तार कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये सब बड़े लोगों का काम आ रहा है, छोटे लोगों का काम नहीं आ रहा। हवाई जहाज से कितने लोग जाते हैं, कितने लोग हवाई सफ़र करते हैं। आम साधारण ट्रेन से सफ़र करता है, बस से सफ़र करता है, तो वो चीज़ें ठीक होना चाहिए, उस चीज़ों पर जाना चाहिए जो उस तीर पर नहीं जा रहे। सुमित्रा महाजन 75 साल की हो चुकी है। अपनी साफ छवि और लोकप्रियता के दम पर सुमित्रा महाजन करीब 30 साल से इंदौर की सांसद हैं। अगला चुनाव वो लड़ेंगी या नहीं ये तो वक्त के गर्भ में है, लेकिन चुनाव के नतीजों में उनकी विरासत की बड़ी अहमियत होगी। इंदौर से आदित्य सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।